है जिसको किंजा हासिल करना चाहती है। अब सोनिया का मकसद तो सुहेल को ब्लैकमेल करके दौलत और उसका घर अपने नाम करवाना है, इसीलिए अब वो सुहेल को मनाकर सुहेल के घर आ जाएगी। वो जानती है बीवी बनकर सबके सामने रहेगी तभी उसे उसका हक मिलेगा। बीवी के लिए शोहर और बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। मगर किंजा जैसी झूठी औरत ने उनकी भी झूठी कसम खा ली। उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है कि उसका और उसके बच्चों का क्या इंजाम होने वाला है। मगर फिलहाल तो तैमूर को समझ नहीं आ रही, सब कुछ जानने के बाद भी वो किंजा की बातों में दोबारा से आ जाता है। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मगर एक तो किंजा की हकीकत सबके सामने आएगी, तब किंजा के हाथ ना बच्चे रहेंगे और ना ही उसका शोहर और ना ही दौलत। अब किंजा सोनिया के आने के बाद खाली हाथ रह जाएगी। तैमूर का एक पार तो पहले ही खो चुकी है। अब सोनिया के घर आने के बाद सुहेल भी सोनिया का साथ देगा। उस घर में कोई भी किंजा की बात नहीं सुनी जाएगी। तब किंजा को समझ आएगी कि दूसरों से इज्जत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। कौन कौन चाहता है कि अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।